Hey everyone, welcome to College Boost. In today's video, we are going to compare the two famous colleges of Karnataka, Bangalore Institute of Technology and Dhyanasagar College of Engineering. इस वीडियो में हम 15 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंपेयर करेंगे दोनों कॉलेजेस को. अगर आप कंफ्यूज हो दोनों कॉलेजेस के बीच में, आपको कौन सी कॉलेज लेनी है, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर दयानासागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से कॉलेज के अंदर जाना है. तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें, लास्ट तक देखते रहें, कहीं पर स्किप ना करें. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल फोन्स. सो लेट्स स्टार्ट. आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे BIT एंड DSE कॉलेज को. दोनों कॉलेज अपनी जगह पर बहुत ही कॉलेजेस हैं, कर्नाटका की बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस में से एक हैं एंड बहुत ही पुरानी कॉलेजेस भी हैं. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 पॉइंट्स को, जिसमें हम बताएंगे आपको अभी के टाइम पर दोनों कॉलेज में से कौन सी कॉलेज आपके लिए सही है. सारी पॉइंट्स मेंशन की गई इस वीडियो के अंदर दोनों कॉलेजेस के बच्चों के द्वारा डिस्कस की गई है. सो लेट्स स्टार्ट. सो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में. दोनों कॉलेजेस आपको 1979 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि बहुत ही पुरानी कॉलेजेस है. बात करूँ सेकंड पॉइंट के बारे में, ऑटोनॉमस के बारे में. दोनों कॉलेजेस में से बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है एंड दयानासागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ऑटोनॉमस कॉलेज है. ऑटोनॉमस के बारे में बता दूँ तो ऑटोनॉमस कॉलेज का जो टैग होता है वो बहुत ही कम कॉलेजेस को मिलता है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, एंड वो कॉलेज आपको अफिलेटेड होते हैं वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे कि कर्नाटका की VTU है, तो VTU से दोनों कॉलेज अफिलेटेड है. लेकिन जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वो अपने तरीके से पढ़ा सकता है, अपने तरीके से सिलेबस को डिजाइन कर सकता है, फिर वो एग्जाम भी खुद से ले सकता है. एंड वही अगर जो कॉलेजेस आपको ऑटोनॉमस नहीं है तो उसकी सारी जितने भी काम होती है वो सब कुछ आपको VTU से होती है. तो आपको बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है, दयानासागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ऑटोनॉमस कॉलेज है. बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, कैंपस साइज के बारे में. BIT की कैंपस साइज है आपको 7 acres, जिसके अंदर आपको 7 कॉलेजेस मिल जाएंगे इन 7 acres के अंदर, जिसमें इनकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, किम्स एंड बाकी कॉलेजेस हैं. वही आप DSE के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे कैंपस साइज है इसकी 29 acres, जिसके अंदर आपको इसकी इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज एंड पीछे की तरफ इसकी आपको दयानासागर यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी. कर्नाटका की प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से सबसे ब्यूटीफुल कैंपस आपको दयानासागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की है. यहाँ के बच्चों का कहना है कि इनके लिए कैंपस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ये अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं. वही BIT के बच्चों का कहना है कि यहाँ की कैंपस साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी है, जिस कारण ये अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं. अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में. BIT के अंदर आपको एक छोटा सा ग्राउंड देखने को मिलेगा एंड विच इज़ नॉट अप टू द मार्क्स, एंड DSE के अंदर आपको एक ग्राउंड देखने को मिलेगा, साथ में आपको एक टेनिस कोर्ट भी देखने को मिलेगा एंड एक बास्केटबॉल कोर्ट भी देखने को मिलेगा. तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट है, तो आप DSE को ज्वाइन कर सकते हो BIT के जगह पर. अगले पॉइंट हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे. दोनों कॉलेजेस बैंगलोर सिटी के अंदर हैं. यहाँ पर दोनों कॉलेजेस में आपको ईजिली कैब्स एंड गवर्नमेंट बसेज अवेलेबल हैं. दोनों कॉलेजेस के नज़दीक में एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगी. BIT के नज़दीक में मेट्रो स्टेशन है वो है नेशनल कॉलेज मेट्रो स्टेशन, एंड दयानासागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है जयप्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन. दोनों कॉलेजेस के पास आपको बहुत सारी रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ आपको नॉर्थ इंडिया के फूड्स भी प्रोवाइड करती हैं. अगली पॉइंट है हमारी अप्रूवल्स के बारे में, जो कि 3 मेन अप्रूवल्स होती है, AICT, NAC एंड NBA. इन तीनों को हम कंसिडर करेंगे एंड ये दोनों कॉलेजेस आपको AICT से अप्रूव्ड, NAC से अप्रूव्ड एंड NBA से अप्रूव्ड हैं. अगली पॉइंट आती है हमारी NIRF रैंकिंग के बारे में. सो बहुत से लोगों को लगता है कि BIT बैंगलोर की कोई NIRF रैंकिंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो NIRF रैंकिंग होती है वो टॉप 200 कॉलेजेस की होती है, जो कि उनकी वेबसाइट पर आपको दिखती है. लेकिन उसके बाद भी आपको 50 कॉलेजेस रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं 201 to 250 कैटेगरी, ठीक है. उसके अंदर भी आपको 50 कॉलेजेस होती हैं जो कि अलग से आपको NIRF रैंकिंग रखती है, टॉप 200 कॉलेज के अंदर वो नहीं आती है. तो यहाँ पर BIT बैंगलोर की भी NIRF रैंकिंग है, जो कि है आपको 205. वही आप दयानासागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की देखोगे तो वहाँ पे उसकी NIRF रैंकिंग है 126. अगली पॉइंट है हमारी हॉस्टल एंड फूड के बारे में. तो पहले BIT बैंगलोर के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो हॉस्टल होती है, यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल आपको एक मिलेगी कैंपस के अंदर, एंड कोई भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है कैंपस के अंदर. दो गर्ल्स हॉस्टल हैं जो कि कैंपस के बाहर है एंड थोड़ी सी दूर पर है, लेकिन कॉलेज आपको बस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है. फूड के बारे में बात करोगे हॉस्टल के अंदर तो यहाँ पर एवरेज फूड देखने को मिलेगी. वही आप बात करते हो DSE दयानासागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर आपको हॉस्टल बॉयज़ के लिए भी एंड गर्ल्स के लिए भी मिल जाएगी कैंपस के अंदर. एंड यहाँ पर बॉयज़ की आपको दो दो हॉस्टल्स हैं, एक इंडियन हॉस्टल और एक NRI हॉस्टल, एंड गर्ल्स की एक हॉस्टल है. फूड के बारे में बात करूँ हॉस्टल्स के अंदर तो एवरेज फूड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा. अगली पॉइंट आती है हमारी कट ऑफ के बारे में. दोनों कॉलेजेस की कट ऑफ डिस्कस करेंगे हम. इसमें जो एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम है आपको ऑल इंडिया एग्जाम, जो कि कॉमेट के एंड जनरल मेरिट की कट ऑफ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम स्पेशली 4 ब्रांच ले रहे हैं दोनों कॉलेजेस की, जो कि टेक ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग एंड AI ML ब्रांच, ठीक है. ये 4 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी दोनों कॉलेजेस की कट ऑफ, ठीक है, सब चेकआउट कर सकते हो. एंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि BIT की जो कट ऑफ है वो भी आपको थोड़ी सी
गिरी है पहले से। एंड अब देखा अगर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कट ऑफ देखोगे तो पहले बहुत ज़्यादा आती थी, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अराउंड 4000 के बाद आती थी कट ऑफ, ठीक है, लेकिन इस देखोगे अब बहुत ज़्यादा कम हुई है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, लेकिन कट ऑफ के मुताबिक जिसकी कम कट ऑफ होती है, ठीक है, उस पर हम पॉइंट दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर। एंड सो इसमें कट ऑफ के अंदर जो आपको पॉइंट जाती है वो जाती है बीआईटी के अंदर। अगली पॉइंट आती है हमारी फेस्ट इवेंट्स एंड क्लब्स के बारे में, तो वही बीआईटी बैंगलोर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर 29 क्लब्स देखने को मिलेगी कॉलेज के अंदर, इनकी जो फेस्ट होती है वो होती है मंथन। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में देखोगे तो यहाँ पर आपको 30+ क्लब्स देखने को मिलेगी कॉलेज के अंदर, यहाँ पर आपको जो इनकी फेस्ट होती है वो होती है फ्यूरोरे वाइब्रेशंस, एंड यहाँ पर आपको हर सैटरडे को कल्चर भी होता है। अगली पॉइंट आती है हमारी ऑडिटोरियम के बारे में, तो दोनों कॉलेज के अंदर आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलेगी एंड उसकी पिक भी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगली पॉइंट आती है हमारी स्ट्रिक्टनेस के बारे में, दोनों कॉलेज के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर बीआईटी बैंगलोर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, स्पेशली अगर एग्जाम्स एंड असाइनमेंट को लेते हो तो, एंड वही आप देखोगे डीएससी के अंदर तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो बीआईटी बैंगलोर से तो बीआईटी बैंगलोर जैसी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगली पॉइंट आती है हमारी फैकल्टीज़ के बारे में, तो बीआईटी बैंगलोर और दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बच्चों का यह कहना है कि यहाँ पर आपको पीएचडी होल्डर्स प्रोफेसर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो फैकल्टीज़ हैं वो एवरेज हैं, दोनों कॉलेज के बच्चों का सेम बात कहना है। सो अगली पॉइंट और लास्ट पॉइंट लेते हैं इस वीडियो की कंपैरिजन वीडियो की, जो कि है आपको प्लेसमेंट्स के बारे में बीआईटी बैंगलोर एंड डीएससी में। यहाँ पर आप देखते हो सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज जो कि दोनों कॉलेज में विजिट करती हैं वो है 150+, तो कि दोनों की सेम है। एंड यहाँ पर एवरेज पैकेज आप देखते हो टेक ब्रांचेस की, जो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, तो उसकी एवरेज पैकेज जो होती है दोनों कॉलेज की सेम है, अराउंड 7.5 लाख रुपीज़ टू 8 लाख रुपीज़ पर एनम। तो जब बात करते हो दूसरे ब्रांचेस की, तो दूसरे ब्रांचेस की जो एवरेज पैकेज है दोनों कॉलेज में फिर से सेम है, 5.5 लाख रुपीज़ टू 6 लाख रुपीज़ पर एनम। तो प्लेसमेंट आप देखोगे दोनों कॉलेज की ओवरऑल सेम ही है। ये रही हमारी कंपैरिजन वीडियो ऑन पीआईटी बैंगलोर एंड दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। होप करता हूं वीडियो को पसंद आया, यहाँ पर हमने 15 पॉइंट को डिस्कस किया है, आप चाहो जिसमें आपको सही लगा आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई भी आपको डाउट आती है तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, आपके स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो रही होगी, आप उसे जल्द से चेकआउट कर लो। एंड कोई भी डाउट आती है या फिर आप चाहते हो किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पिंग कर सकते हो। एंड ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस आपको लाते रहूँगा कॉलेज बूस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर, एंड बहुत सारी कॉलेज की रिव्यूज़ भी मेरे अकाउंट के ऊपर रखी हुई है, उसे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।